So now, let us try to understand the shortcut method to remember the formula that we have derived. So x और y का formula हम already derive कर चुके हैं. So अगर आपके पास दो linear equations है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. We have two linear equations. The answer for x is b1 c2 minus b2 c1 by a1 b2 minus a2 b1, and y is c1 a2 minus c2 a1 by a1 b2 minus a2 b1. इसको याद कैसे करेंगे देखिए. First what I do is सारा कोएफिशिएंट्स को एक के बाद एक लिखता हूं, a1 b1 c1 a2 b2 c2. ओके, फिर एक और बार a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लीजिए. सो कोएफिशिएंट्स जो है दो बार लाइन में लिख लीजिए. लिख सकते हैं, मैं एक एग्जांपल भी साइमल्टेनियसली करता हूं, ठीक है. सो जो क्वेश्चंस हम किए हैं, 2x plus 3y is equal to 10, ठीक है, एक इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 10, 5x minus 4y is equal to 2. So this is one of the equations that we have solved by the previous two methods. ठीक है, अब क्या करना है देखिए आपको. First cross multiplication method use करने से पहले convert both the equations into standard form. इसका मतलब समथिंग इज इक्वल टू जीरो जैसा कन्वर्ट करना है. सो 2x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो, 5x माइनस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो. ओके, सो एज आई एम सेइंग राइट द कोएफिशिएंट्स. सो 2 3 माइनस 10 दो बार, 2 3 माइनस 10, 5 माइनस 4 माइनस 2, 5 माइनस 4 माइनस 2, ठीक है. इसके बाद आपको क्या करना है, ये फर्स्ट वाला जो है और लास्ट वाला जो है ये निकाल सकते हैं. दीज टू विल नॉट बी यूजफुल. सो ये और ये जो है आप निकाल सकते हैं. द मिडिल नंबर्स विल बी यूजफुल. सो अब क्या करिएगा, ये दो सेट्स के बीच में एक्स लिखिए, ठीक है, पहला, ये दोनों के ऊपर x लिखिए, ये दोनों के ऊपर y लिखिए, ये दोनों के ऊपर 1 लिखिए. लिख सकते हैं. सो क्या करना है, यहां x लिखना है, यहां y लिखना है, यहां 1 लिखना है, एंड यू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, एक डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय जैसा लिख लीजिए. ओके, सो नाउ द फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस. देखिए x डिवाइडेड बाय, देखिए x डिवाइडेड बाय x के नीचे क्या है, ये चार नंबर्स है ना, इसको आप ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. क्या है, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, ठीक है, x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू, ठीक है, y डिवाइडेड बाय, y के नीचे क्या है, ये चार नंबर्स है, उसका भी सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू, यहां देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1 के नीचे ये चार नंबर्स है, इसका भी सेम ऑपरेशन कर लीजिए, a1 b2 माइनस a2 b1. समझ आ रहे, सो x बाय दिस इज इक्वल टू y बाय दिस इज इक्वल टू दिस 1 बाय दिस. सो अब ये दोनों को आप इक्वेट किया तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, x बाय समथिंग इज इक्वल टू 1 बाय समथिंग. ये जो है आप ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1. देखिए फॉर्मूला आ गया, x का फॉर्मूला आ गया. सिमिलरली y इज हाउ मच, सो y इज इक्वल टू, देखिए y बाय दिस इज इक्वल टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1. समझ रहे, सो ये कहा जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा. सो y इज इक्वल टू व्हाट, सिंपली C1 A2 माइनस C2 A1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1. देखिए फॉर्मूला आ गया. सो ये वाला फॉर्मूला आपको याद करने का जरूरत नहीं,
just you write this, whatever expression you get, that will be the answer. So यहां आपको same चीजें करिए. So x divided by, देखिए this into this minus this into this, 3 into minus 2 is minus 6, minus minus 10 into minus 4 is plus 40. So this into this minus this into this is equal to y divided by this into this minus 50, minus of minus 4 is plus 4, is equal to 1 divided by 2 into minus 4 is minus 8, minus of 5 into 3 minus 15. So this implies x by minus 46 is equal to y divided by minus 46 is equal to 1 divided by minus 23. समझ रहे? So यहां से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं. x is equal to, ये दोनों को इक्वेट किया तो x is equal to minus 46 by minus 23 2, y is also equal to minus 46 by minus 23 which is equal to 2. So this method is called cross multiplication method. अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया तो this is the easiest method. बहुत ही जल्दी आंसर्स आ जाएगा आपको, कुछ कंफ्यूजन नहीं है. So एक और क्वेश्चन करेंगे, जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे. So what is the other question that we are looking at? क्या है? 5x minus 4y is equal to 1 and 7x plus 2y is equal to 9. So let us try to solve these two equations. So first step क्या है? 5x minus 4y minus 1 is equal to 0. Standard form में convert करिए, 7x plus 2y minus 9 is equal to 0. Standard form में convert हो गया. Next क्या करना है? Write the coefficients one after the other. 5 minus 4 minus 1, दो बार लिखिए 5 minus 4 minus 1. 7 2 minus 9 7 2 minus 9, दो बार लिखे. फर्स्ट वाले से कुछ यूज नहीं है, लास्ट वाले से भी कुछ यूज नहीं है, ठीक है? दोनों को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं. इसके बाद पहला दो कॉलम्स के बीच में x लिखिए, सेकंड टू कॉलम्स के बीच में y लिखिए, थर्ड दो कॉलम्स के बीच में 1 लिखिए. यहां डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय ऐसा नोटेशन कर लीजिए. सो x डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, 36 माइनस ऑफ माइनस 2, सो प्लस 2 होने वाला है, इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय माइनस 1 इनटू 7 माइनस 7 माइनस ऑफ माइनस 45. देखिए 9 5 is 45, माइनस ऑफ माइनस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5 2 is 10 माइनस ऑफ माइनस 28. ध्यान दे दीजिए, साइंस बहुत केयरफुली आप लेना पड़ेगा. सो एक्स डिवाइडेड बाय 38 इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय माइनस 7 प्लस 45 इज ऑल्सो इक्वल टू 38 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस ऑफ माइनस प्लस 10 प्लस 28 इज 38. दिस इंप्लाइज एक्स बाय 38 इज इक्वल टू 1 बाय 38 एंड वाई बाय 38 इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाय 38. So x is equal to 1 and y is equal to 1. ठीक है, आंसर आ गया. So this method is called cross multiplication method. So I hope you understand these three methods. So once you understand the basic of these three methods, अब हम ये तीनों methods use करके, ठीक है, different types of equations को कैसे solve कर सकते हैं. So let us try to understand the different types of questions that you can expect in this topic. So first hum mathematical questions karenge, last mein word problems bhi karenge is topic ka.